नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां थाना परसपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कडरू के ग्राम पैदामी पूर्वा सिन्हा में उस समय हड़कंप मच गया जब भोजन पकाते समय अचानक तेज आवाज़ के साथ विस्फोटक पदार्थ में विस्फोट हुआ और पक्का मकान छत समेत भर भरा कर गिर गया, जिसके चपेट में आने से अकबरी नाम की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई तथा अन्य 6 लोग बुरी तरह झुलसकर जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल गोंडा में इलाज के लिए भेजा गया। घायल व्यक्तियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: शब्बर पुत्र ताज मोहम्मद, एजाज पुत्र शमी अहमद, तस्बुन तरनूम सनम। 5 वर्ष सूचना मिलते ही थाना परसपुर थाना प्रभारी श्री राम अवतार सिंह यादव ने राहत व बचाव कार्य किया तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी महेंद्र कुमार तथा सीओ करनेलगंज जितेंद्र दुबे एवं एसडीएम श्री ज्ञान चंद्र गुप्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। वहीं इस अप्रिय विस्फोटक घटना से क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल बना रहा, क्योंकि जिस गांव में विस्फोट हुआ है वह लोग अवैध तरीके से गोला बारूद के व्यवसाय में संलिप्त हैं तथा पिछले कई वर्षों से अवैध तरीके से गोला बारूद के व्यवसाय कर रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर बारूद के अवशेष भी मिले हैं, जबकि पुलिस घटना को गैस सिलेंडर से विस्फोट बता रही है। प्राइम न्यूज़ 24 से ब्यूरो रिपोर्ट, प्रदीप कुमार।